इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अंबानी अडानी पर हमला बोल रहे पीएम मोदी, क्या सौदा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। तीन चरण होते ही बदल गए मोदी के सुर। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। क्या पीएम मोदी की कुर्सी जाने वाली है? ये वो सवाल है जो पीएम मोदी के ही बयान के बाद उठने लगा है, क्योंकि जो पीएम मोदी अंबानी और अडानी के सबसे बड़े दोस्त बनकर नजर आते थे, वही पीएम मोदी अब अडानी और अंबानी पर हमला बोल रहे हैं। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी ने बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अंबानी और अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना पैसा प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराज, जवाब देना पड़ेगा देश को। पीएम मोदी ने अंबानी और अडानी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जिन अंबानी और अडानी को पीएम मोदी सिर आंखों पर बैठा कर रखते हैं, अब अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनका नाम ले लेकर वोट मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस बारे में पीएम मोदी पर पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अडानी और अंबानी वाले बयान पर पलटवार किया। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चलता है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान हैं। तो क्या पीएम मोदी के बयान में आ रही झुंझलाहट को ही असली रुझान माना जाए और ये समझा जाए कि उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है? और अब आलम यह है कि पीएम मोदी अपने दोस्तों पर भी हमला बोलने में पीछे नहीं रह रहे। तो क्या 3 चरण में ही हार और जीत का फैसला तय हो चुका है? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है
9887 00000640। IFSC कोड है SB00002 35। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।